दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। आपको बताएंगे उन तीन बड़े रीजंस के बारे में जिसको लेकर सलमान खान आज भी ऐश को सबसे ज़्यादा चाहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं और उसके नाम का बहुत ही ज़्यादा एहतराम भी करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला रीज़न ये है कि सलमान खान जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे तो किसी भी हीरोइन के साथ मूवी में काम करके उनको इतनी कामयाबी नहीं हासिल हुई थी जितनी ऐश के साथ हासिल हुई थी। फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने ना सिर्फ बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कायम कर रखे थे बल्कि आज भी फैंस उस फिल्म को बहुत दिल से देखते हैं। आज भी इनके कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा याद किया जाता है। इसी वजह से इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हर याद को लेकर सलमान खान के लिए ऐश्वर्या राय काफ़ी स्पेशल हो जाती हैं। दोस्तों दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि सलमान खान और सलीम खान जो कि सलमान के बाप हैं वो ऐश्वर्या राय को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, उन्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे। लेकिन ऐश के साथ कुछ अर्से के बाद सलमान खान की दूरियाँ बढ़ती गईं और रीज़न कुछ यही निकल कर सामने आया कि ऐश ने कहा कि सलमान मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझ पर हाथ उठाते हैं और इस तरह से मुझे इनके साथ रहना पसंद नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात ये निकल कर सामने आई कि उस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक और बड़ा दबंग हीरो था जिसके साथ इनके अफेयर की खबरें खूब मंजरेआम पर आई थीं। लेकिन इस वक्त भी सलमान खान ने अपने बाप की मोहब्बत जो कि ऐश की सूरत में थी, जो उसको बहू के रूप में देखना चाहते थे, इसी वजह से वो ऐश को आज भी लाइक करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बाबा को वो बहुत ही प्यारी थी। दोस्तों तीसरा बड़ा रीज़न आपको बताते चलें तो सलमान खान ने हमेशा ही ऐश्वर्या राय को इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है क्योंकि ऐश के साथ आज भी उनको बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है। उनके फैंस ने किसी भी और लड़की के साथ सलमान खान की जोड़ी को इतना पसंद नहीं किया जितना ऐश्वर्या राय के साथ किया है। सलमान खान ने अब तक बहुत सी लड़कियों को छोड़ा है और बहुत सी बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी हीरोइंस हैं जो सलमान खान के नाम की माला जपती नहीं थकती थी, लेकिन वाहिद वो नाम ऐश्वर्या राय का ही है जो आज भी सलमान खान के नाम की वजह से बहुत पहचान रखता है।